अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके क्लास, लेट्स वेट फॉर 5 मोर मिनट्स सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस एंड वील स्टार्ट आवर डिस्कशन। एज यू नो दैट यू पीपल आर हैविंग वी आर डूइंग गुलिवर्स ट्रैवल टुडे एंड वी आर डूइंग द पार्ट नोट द पार्ट एक्चुअली इट्स चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1। सो आई होप दैट यू पीपल हैव रेड द चैप्टर एंड नाउ वी विल डिस्कस इट एंड आई विल नॉट बी गिविंग यू द समरी राइट नाउ। आई विल जस्ट डू दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर बट it will be you people who will be discussing and sharing the information which is there in chapter number 2. Okay, so agar aap logon ne revise karna hai, you can do the revision and we will wait for rest of the students to join us. Okay, hello class, am I audible? Yes ma'am. Okay, fine. Okay ma'am.
Excuse me, ma'am. All right, class. Yes. मैम मैंने वैक्सीनेशन लगवाने जाना है, आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे? मुझे वैक्सीनेशन लगवाने जाना है अभी. I can't do this. You can take leave. If you don't attend the lecture, then I will not mark you present. Because you know you can take leave. You can avail that. You have 6 leaves for your course, so you can avail that. I cannot mark you present when you are not there in the class. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चले. आपने लीव लेना है तो ले ले, कोई मसला नहीं है. आप ना. Okay, class. All right. But I see still 22 participants are there, and I am locking the meeting so that nobody else could now join the class, because you know it's 15 minutes have passed and still I see only 23 students in my meeting. So it's really, you know, it's I should say it's not something which I am expecting from you people. Okay, class, just wait a minute, please. Okay, fine. Okay, class. Let's start the discussion. Ma'am, वो एक बच्ची का message है. Sajal, I think your voice is too low. I don't know if my mic is, if my headphone is having some problem, or I think your mic is having. I don't know. I'm not sure, class. Anusha sir, आप बोलकर दिखाएं मुझे कोमल. Yes, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? Hello. Ma'am, can you hear us? क्लास आप सबकी आवाज क्यों इतनी लो है मैम? ये आपके माइक में कोई इशू है आई थिंक, या फिर आपके हेडफोन्स. मैम हमें आपकी आवाज क्लियरली आ रही है और हमें एक दूसरे की आवाज भी क्लियरली आ रही है. ओके, अब आप में से कोई बोलकर दिखाए प्लीज. यस मैम, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं पता. ये यस मैम, आपके इंटरनेट के साथ ना आपके हेडफोन के साथ भी प्रॉब्लम है आई गेस. हेलो. यस मैम. यस मैम, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही क्लास. आई डोंट नो व्हाट्स द मैम, आपकी हेडफोन पे कोई इशू है? यार मैम को मैसेज कर दो. अनुषा मैम को टेस्ट क्लास करने का फायदा कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट. आप लोग की आवाज को क्या हो गया है? अब जरा बोलकर दिखाएं प्लीज. मैम हेलो. यस मैम. हेलो. यस मैम. कैन यू हियर मी? लाइक एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वी कैन हियर यू. यस मैम. यस मैम. बेटा आप सब लोग बोल रहे हो लेकिन लिटरली मुझे किसी एक की भी आवाज नहीं आ रही है. मैम मेरी आ रही है? पहले तो सही था ये. अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप सबके माइक में खराबी है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद माय हेडफोन. मैम जस्ट वेट अ मिनट. इस तरह तो समरी भी नहीं दे पाएंगे हम. तुमने रेडी कर ली है? मुझे आता ही नहीं. हाँ तो फिर इसलिए पूछ रही हूँ. यार किसी बच्चे को आती है तो एक दफा बता दे यार. कैच अप नंबर 2 में. अभी 2 मिनट सबर कर दो, सबको सबकी पता चल जाएगी. अनुष्या तुम्हें आता है, तुम बता दो.
तुम क्यों छुपा रही हो? ओके ओके क्लास क्लास कैन यू हियर मी? यस यस मैम यस मैम ओके मैं अपने लैपटॉप अपने सिस्टम से मैं सिस्टम से भी ऑनलाइन हूँ और या सिस्टम से भी ऑनलाइन हूँ. मुझे लगता है कि माय हेडफोन इज हैविंग सम प्रॉब्लम. आई विल जस्ट फिक्स दैट. मैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन हूँ. ओके फाइन. यस आई हैव लॉक्ड द मीटिंग और बच्चे जो है वो अब नहीं आ सकेंगे और फिर वही मैंने कह रही थी वो मैसेज कर रही थी ना कि वो कह रही मैंने क्लास जी सजल आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मुझे ना मैसेज आ रहा है निदा हमीद का. वो कह रही हूँ मैं कर रही हूँ लेकिन मैम ने लॉक कर दिया. मैम को बोलो प्लीज वो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी लेट होगी थोड़ा. नहीं नहीं सजल आज आप ना आप लोग मुझे अलाउ करें कि आज मैं लॉक कर दूँ क्योंकि जो बच्चे अभी यहाँ मौजूद है ना ये वो वाले बच्चे हैं जो हमेशा टाइम पर आते हैं ठीक है. लेकिन अब 15 मिनट के बाद आज मैंने लॉक कर दिया है अपना मीटिंग वो इसलिए कि बच्चे जो है वो अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो यकीन करें 40 मिनट्स के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे होते हैं. बट आई डोंट से एनीथिंग टू देम. मैं कुछ नहीं कहती. आई जस्ट लेट देम डू दैट. बट दिस टाइम आई हैव टू टेक एन एक्शन. सो प्लीज अगर आप लोग मेरे से कोऑपरेट करोगे और आप लोग भी मेरे से स्कैंड होगे और उनको ये रियलाइज करवाओगे कि दे वर रॉन्ग एंड दे वर डूइंग द रॉन्ग थिंग तो फिर इससे मुझे ज्यादा आसानी होगी ठीक है. तो प्लीज आप लोग भी उनको रियलाइज करवाएं कि आप लोगों का ये तरीका सही नहीं है कि आप लोग 15 मिनट्स हो गए हैं बट स्टिल यू इग्नोर ज्वाइन द लेक्चर. तो अब जो है टीचर ने सही किया है ताकि उनको रियलाइज हो. तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है मौजूद हैं बच्चे उन मेरे से कोऑपरेट करें और उन बच्चों को रियलाइज करवाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम पर क्लास में मौजूद है. 15 मिनट के बाद भी 21 स्टूडेंट्स मौजूद थे मेरी क्लास में 15 मिनट के बाद. तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर अ टीचर एंड ऑल्सो इंसल्टिंग. लाइक मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है कि मेरे लेक्चर में 15 मिनट के बाद भी स्टूडेंट्स देयर. सो यस मुझे बहुत बुरा लग रहा है बहुत एफर्ट फील हो रहा है बट स्टिल आई विल नॉट अनलॉक द मीटिंग. आज मैंने ऐसे ही लेक्चर देना है ठीक है. सो ओके क्लास आप लोग हम लोग लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन अहेड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 1. तो शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन नाउ? मैम बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट ग्रीवर्स हाउ ही प्रेजेंटेड मतलब मींस हिज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द विलेज दैट ही रेफर्ड इट एज अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड द विजिट ऑफ द एम्परर एंड हिज ब्लड लाइन किड्स सच एज हिज प्रिंस एंड प्रिंसेसेस एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड हिज पॉकेट्स बीइंग सर्च्ड बाय द मेन ऑफ द एम्परर एंड द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर फाउंड इन हिज पॉकेट सच एज हिज वॉयलेट गन पाउडर बुलेट्स एक्सेट्रा एंड द थिंग्स दैट वर टेकन अवे फ्रॉम हिम. ओके वेरी गुड. यस who will add more information on this? Ma'am, me? Yes, sure, beta. Okay. Yeah, ma'am, there was a time when 6 men were guarding him, but they tried to bow some arrow on him, but he showed leniency to them. And because of his behavior, many people were inspired by him. So there was a discussion in the colonial room about the fate of Gulliver. Some suggested that they should kill him or they should starve him by not giving him food. But some suggested that he is very kind. So be kind with him. Or so they even offered him with bed because he was sleeping on the floor, and we also hired the tailors to see dress for him. Okay yes. Yes, anyone else or should I start calling the names? Okay fine. मैं बुलाती हूँ ठीक है. हमना बाबर यस मैम. लेट टेल मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से आपको क्या समझ आया मैम? चैप्टर 2 से या 1 से?
बेटा वी आर डूइंग चैप्टर 1 ओके मैम मैंने इसको थोड़ा सा ही पढ़ा है नहीं देखो ये वाली बात ना करें ना कि थोड़ा सा पढ़ा है आप देखे ना मैंने लास्ट वीक बताया था कि हम इस फ्राइडे वाले दिन वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस पार्ट अगर आप लोगों को अच्छे से याद अगर आप वहाँ पर मौजूद थी तो यस मैम आपने कहा था लेकिन मुझे ना सच में याद नहीं रहा था इस दफा मैं ना ज्यादातर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं था When the Lilliputians changed Gulliver's to the building, he stand up and see the entire courtyard, countryside, which was very beautiful. Okay. And the tallest tree are 7 feet tall, and whole area look to him like threat, like he was seeing everyone threatened him. Hmm. मैंने नहीं पढ़ा मुझे इतना ही पता है ओके यस नेक्स्ट गुलाम नबी यस गुलाम नबी मैम आप यूनिवर्सिटी में यस आई एम इन यूनिवर्सिटी गुलाम नबी यू आर नॉट ऑडिबल जी निमशा ये ना पीछे शायद किसी और टीचर की आवाज आ रही है कंटीन्यूअसली ना कब से ऐसे हुआ जा रहा है तो डिस्टर्ब हो रही है आप आपकी बहुत कम आ रही है यस मैं बोल नहीं रही हूं ना Actually, you know, I'm not talking. That's why you people are feeling that way. जब मैं बोलूँगी तो आपको फिर उनकी आवाज़ नहीं आएगी. अभी मैं आप लोगों को सुन रही हूँ ना, तो आप लोग बोलें ताकि मैं आप लोगों को सुनूँ. तो after that, I will just give you the summary of this chapter. ठीक है? Okay, ma'am. चल, अभी आप लोग मुझे बताएं. अभी गुलाम मुझे बताया था गुलाम नबी. Yes, गुलाम नबी. गुलाम नबी, आपके माइक आप अपने माइक को जरा एडजस्ट करें, because I can't hear you. You are not audible at all. नहीं गुलाम नबी आप थोड़ा ऊंचा बोलें मैम वो रिवाइज नहीं किया थोड़ी देर पहले मैं भी देखा था चलें बोलें चलें बताएं मैम मैं बता रहा हूँ कि रिवाइज नहीं किया क्या बता रहे हैं आप मैम रिवाइज नहीं किया क्या कह रहे हैं क्यों रिवाइज नहीं किया आपने इट्स नॉट फेयर यू नो कितनी गलत बात है आप लोग को एक काम जो मैंने दिया हुआ था आप लोगों से वो काम ढंग से नहीं हो रहा तो व्हाट विल यू डू इट्स वेरी बैड लिटरली डिसअपॉइंटिंग आप लोगों का एटीट्यूड जिस तरह से आप लोग मेरे सब्जेक्ट को मुझे आपको ग्रांटेड ले रहे हैं इट्स रियली इरिटेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग इट्स अ टोटल लेट डाउन अभी मैंने लॉक किया हुआ है बच्चे 21 क्लास में और कोई नहीं है ओके आई विल मार्क दोस पीपल एब्सेंट हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड द लेक्चर हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड द चैप्टर और रेड द चैप्टर ओके दानिश एजाज यस मैम जी दानिश मैम ही वाज स्टैंडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन हिज ओन फीट्स एंड ही व्हेन ही लुक्ड अराउंड द फार्म The farms that have that people have cultivated were like the whole country was presenting a scenario of just like a garden to a human being fully grown human being, but that was just a small country for the small people living there, and he was in chains, as he mentioned.
बस इतना ही पता भी पड़ा है। बहुत पढ़ा आपने बेटा, एहसान भी मुझ पर किया बहुत आपने ये बता कर। फातिमा खान जी बेटा, यस फातिमा खान मैम, गुलिवर to be set free as he is getting along well with the Lilliputians and earning their trust, and the Emperor decide to entertain him with the show, including a performance by the rope dancers who are seeking employment in the government. Who is Lilliputian? Who is Lilliputian? Yes, Lilliputian कौन है फातिमा? Ma'am, it's Lilliputian. Okay. Okay, ma'am. Okay, yeah. Carry on. For the performance, which doubles as the sort of competitive entrance examination, the condition examinations, and the candidate dance on the roof, cylinders, thread suspended 2 feet above the ground, and the another diversion. For the Gullivers, the emperor lays 3 silken thread of the different color on the table, and then holds out the stick, and candidate are asked to leap over it or creep under it. Whoever show the most dexterity wins one of the ribbon. Gulliver builds a platform from the stick and his handkerchief and invites the horsemen to exercise upon it. The emperor greatly enjoys watching this new entertainment, but it is cut short when the horse steps through the handkerchief, after which Gulliver decides that it is too dangerous for them to keep riding on the cloths. Okay, class, fine. It seems that nobody has, almost nobody has prepared or read this chapter, only except 2 or 3 students. So let me just give you the summary of this chapter. Next time I will make this discussion a graded discussion, and I will mark you on the basis of your performance in the discussion. So yeah, today for today I am just not saying anything. I'm just forgiving you for this, but next time I will mark the discussion, like that would be a graded discussion next time. और हाँ, और जब आप लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि हु इज रीडिंग फ्रॉम अ पेपर और हु इज रीडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और मुझे पता चलता है कि कौन अपनी तरफ से बता रहा है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू चैप्टर नंबर 3, यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज आई वॉन्ट योर ओन वर्ड्स, नॉट फ्रॉम द पेपर और फ्रॉम द सोर्सेज व्हिच यू आर सर्चिंग एंड व्हिच यू आर लुकिंग एट. एनीवेज, मैं आप लोगों के साथ इसकी समरी को शेयर कर रही हूँ. आई मीन आपको मैं बताती हूँ समरी इसकी. एंड यस, यू पीपल वर आस्किंग फॉर द अपलोडिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर, सो टुडे इंशाल्लाह आई विल डू दैट, एंड आई विल अपलोड ऑल द रिकॉर्डिंग्स व्हिच आर मिसिंग ऑन द LMS, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू दोज रिकॉर्डिंग्स. ओके फाइन, आई होप दैट आई एम एबल टू ऑल ऑफ यू. इन चैप्टर नंबर 2, पार्ट 1, चैप्टर नंबर 2, यस क्लास में थी लेकिन उसका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मुझे मैसेज करके कह रही है. कौन मैम? मरियम चौधरी.
मरियम चौधरी इस क्लास में होती है क्या? मरियम चौधरी मैम, आई डोंट नो, ये चौधरी नाम से ही कोई है, इनका मैसेज मुझे भी आया, पर मैंने कहा कि मैं अलाउ नहीं कर रही. इट्स मरियम अब्दुल कादिर. मरियम अब्दुल कादिर बस देयर. लेट मी जस्ट सी, उसको कहें कि वो ज्वाइन कर ले. ठीक है, उसको कहें कि वो ज्वाइन कर ले. आई विल लेट हर इन. आई विल लेट हर इन. उसको कहें कि वो ज्वाइन कर ले. ओके मैम. अब मुझे याद रह जाता है कि कौन लेक्चर में था और कौन नहीं था, इसलिए आई रिमेम्बर दैट मरियम अब्दुल कादिर वाज देयर, सो दैट्स व्हाई आई एम लेटिंग हर इन. अदरवाइज अगर कोई और होता तो मैं उसको लेट इन ना करती. ओके लेट्स सी. ओके मरियम अब्दुल कादिर, आर यू देयर? आप आ गई हैं? ओके फाइन, शी इज देयर. ओके क्लास, सो लेट मी जस्ट शेयर द summary of this chapter with you. In this chapter we see that the imperial majesty and Gulliver, they carry on a discussion as best they can in this chapter. You see six Lilliputians hurl arrows at Gulliver after the emperor's arrival. So Gulliver fights back by faking to eat and then releasing the small archers. And the Imperial Council is so impressed by Gulliver's compassion and cooperation that they discuss whether or not to release him. Okay, so they are communicating in their own languages without understanding each other. Any un dono ke dusre ki koi samajh nahi aa rahi hai, but they are communicating still. So viewers who are there, the Lilliputians who fire an arrow at Gulliver are apprehended and brought over to Gulliver. Jin logon ne us par fire kiya tha na arrow, unko Gulliver ke paas laya jata hai. So what does Gulliver do? Gulliver lifts them up, terrifies them with a cruel expression and the glimpse of his penknife, and then sets them free. Theek hai, unko darata hai wo. Yes ma'am, piche se bahut distortion aa rahi hai to samajh nahi aa rahi theek se. क्या डिस्टॉर्शन आ रही है? अभी तो कोई इतना खास बोल नहीं ना, देयर इज ओनली वन टीचर देयर. मैम पीछे से कोई बोल रहे हैं. नो इट्स नॉट, इट्स नो इट्स द साउंड ऑफ हिज फैन. लेट मी जस्ट टर्न इट ऑफ. इट्स यू नो इट्स द साउंड ऑफ दैट फैन, दैट्स व्हाई यू फील दैट डिस्टॉर्शन. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस. लेट मी टर्न इट ऑफ. ओके आई हैव टर्नड ऑफ द फैन नाउ. आई होप दैट देयर विल नॉट बी एनी डिस्टॉर्शन. Now, yeah, is that okay now? Ma'am, pichhe koi bol rahe hai. Behind you. Lecture de rahe hai. Okay, let her give the lecture. Let her give the lecture. Jaan chhod do bichari ji. Ab mujhe sune. I think my voice is audible to all of you. To mujhe sune. Meri awaaz to clear hogi na aap logo ko? Yes, ma'am. Okay. So yes, so वो जो एरो उन पर वो कर रहे थे, हर्ल कर रहे थे, जो लिलीपुटियंस जो व्यूवर्स वहां पर थे, तो उनको जो है वो गुलिवर के पास आया जाता है. He lifts them up, terrifies them with a cruel expression and a glimpse of his pen knife, and then sets them free. तो उनको सिर्फ डरा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, चोट नहीं पहुंचा रहा था. So Gulliver's kindness impresses the Lilliputians. So it's a gesture of kindness, you know, कि Gulliver's ने उनको सिर्फ ऐसी मजाक में डरा दिया, and he is not saying anything to them. तो इसीलिए जो है वो Lilliputians जो है ना वो impress हो गए इस चीज से. So the emperor has 600 people waiting for Gulliver, and 300 tailors making him a suit, and 6 scholars teaching Gulliver their language. So definitely, if he wants to survive here in this land, he has to learn their language so he could communicate with them. तो उनको ज़्यादा बातों से बात करनी है उनसे, तो उसको लैंग्वेज भी आनी चाहिए. उसके लिए कपड़ों की भी ज़रूरत है. वो एक गंदे कपड़ों में, मतलब एक ही कपड़े में तो पूरा अरसा गुजार नहीं सकता. और the you know
the people of that land is also not setting him free. That's why usko survive karna hai. To ab emperor jo hai wahan ka wo kya karte hain, uske liye 300 jo hai wo darzi laga dete hain ki uske liye ek suit taiyar kare aur 6 scholars jo usko language sikhate hain. So once Gulliver has a good grasp of their speech, their language, after 3 weeks he speaks with the emperor again. जब उसको अच्छे से लैंग्वेज आ जाती है ना, he talks to the emperor again. He requests for his own freedom on a regular basis, but the emperor always says, "You must tell me in peso, desmalon, emposo." इसका मतलब है swear a peace with him and his kingdom. मतलब वो yes. मैम मरियम का मैसेज आया, वो कह रही हैं अभी भी वो मीटिंग में अलाउ नहीं हो. अब देखिए अभी अब मैंने उसको अलाउ कर दिया कब का, और मैंने उसको यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है. मरियम इज देयर, मरियम इज यस मैम, आई एम इन द क्लास. यस शी इज इन द क्लास. आई डोंट नो व्हाई इज शी जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू एंड मी. तो प्लीज अगर आपको कोई मैसेज कर, आई एम नॉट टेक्स्टिंग एनीवन, आई एम नॉट टेक्स्टिंग एनीवन मैम. यस ओके फाइन, ओके मैम ओके. लेट मी प्लीज डोंट ब्रेक माई टेम्पो एंड फ्लो. जब इस तरह से टेम्पो तोड़ दिया जाता है तो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल व्हाट आई वाज सेइंग. तो एक एक टेम्पो के साथ, एक फ्लो के साथ जब मैं बोल रही होती हूँ तो प्लीज लेट मी स्पीक एंड लेट मी गिव द लेक्चर. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो, एक मैं आप लोगों पर एक किस्म से एहसान ही कर रही हूँ कि आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज आपने जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आपने प्रिपेयर करना, आपने प्रिपेयर तो किया नहीं है, एंड नाउ यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मी. तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना करें, गौर से सुने कि व्हाट हैपेंड इन चैप्टर नंबर 2. ठीक है, ताकि आप लोगों का कल को अगर ऑन कैंपस एग्जाम्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑन कैंपस एग्जाम्स अगर होते हैं, तो फिर आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो इस नॉवल के हवाले से. तो एटलीस्ट आपको पता हो कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द नॉवल एंड व्हाट्स द व्हाट आर द इवेंट्स इन द नॉवल. ठीक है, तो मुझे इसको जरा प्लीज अच्छे से बताने दें. अब आपको कोई भी टेक्स्ट करे ना, तो आपने रिप्लाई नहीं करना उसको, बस छोड़ दें. ओके फाइन, सो वेयर वर वी. देखिए मुझे भूल गया मैं क्या बोल रही थी. ओके हाँ, यहाँ पर जो है वो when Gulliver learns their language, he speaks to the emperor. Okay, and he requests for his freedom on a regular basis. He is doing this, but every time the emperor says swear a peace with him and his kingdom. Okay, so then the emperor requests Gulliver's permission to have him searched, because they want to search him. वो उसको search करना चाहते हैं. So Gulliver also agrees, and Gulliver assists the emperor's guard into all of his pockets except one hidden one. There is a secret pocket, a hidden pocket, and he and did not allow them. He does not allow them to enter that pocket. Okay, usne khud unki help ki ki wo pockets mein jaye, lekin ek hidden pocket hai, usne wo nahi unko bheja. Because he stores some items that should only concern him, according to him. This is his words. कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जो सिर्फ मेरी हैं, मुझसे concern रखती हैं, तो मैं वो नहीं दिखाना चाहता. So Gulliver also won't allow anyone look at his two fobs. Fobs like small breast pockets, usually used for holding watch. ठीक है, breast के pockets होते हैं जिसमें जो है वो watch को रखा जाता है. Which contain a silver watch. And a little quantity of gold and are kept in little vest pockets. So Gulliver is then given a detailed list of everything the two guards have discovered on him, which they present to the emperor. तो उसको सर्च करने के बाद जो भी चीजें मिलती है, they make a list and that then they present it to the emperor. So then after that, okay, let me see. Yeah, क्या होता है? Okay, so they explain those things in great detail, the list which they are having. They explain the things in great detail without referring to anything in human civilization by its name. So Gulliver is referred to as the man mountain. Okay, उसको एक क्योंकि he is huge, he is large, उनसे बहुत बड़ा है, that's why उसको mountain man उसको कहते हैं. ठीक है, ये Lilliputians. So in the palace they term his handkerchief a great piece of coarse cloth or large enough to be a foot cloth. To matlab ye ki uska rumal usko milta hai to unko wo bahut bada lagta hai. And they name his pipe a pillar the length of a man.
ठीक है, उसका जो एक उसका जो पाइप है उसको उनके लेंथ का जो है वो पाइप होता है, तो वो उनको कहते हैं कि एक पिलर है दैट इज द लेंथ ऑफ अ मैन. Then with a piece of timber at the end and his pocket watch, uske pocket watch ko wo kehte hain a wonderful kind of engine at the end of a great silver chain. ठीक है, तो मतलब वो खुद से उनको नाम दे रहे हैं, दे आर लाइक गिविंग डिफरेंट नेम्स टू देम, क्योंकि दे डू नॉट नो देयर नेम्स एंड इट्स टोटली अ न्यू थिंग फॉर देम, क्योंकि इसी वजह से वो अपनी तरफ से वो नाम दे रहे हैं. यू नो क्लीवर इज ऑल्सो वेयरिंग अ लेदर बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट which the two guards notice after inspecting his pockets. Uske pockets ko inspect karne ke baad wo dekhte hain ki Gulliver was wearing a leather belt. So a big sword and a bag for holding gunpowder and shells are attached to this belt. Us belt pe kya tha, ek sword tha bada sa, talwar jo hota hai, aur ek bag tha jisme gun powder tha aur shells thi. Theek hai, so the emperor hears Gulliver's list of his belongings and demands him to display his sword and pocket pistols jo uske paas hai. To emperor kehta hai ki bhai tum dikhao mujhe ye sari cheeze kya hai. The emperor also orders 3000 of his men to remain on standby throughout Gulliver's weapons show, you know, just in case. Yani wo kehta hai unse apne 3000 logo se wo kehta hai ki intezar matlab wo taiyar rahe जब गुलिवर जो है वो अपने हथियारों को दिखाए, जस्ट इन केस अगर वो हमला कर दे. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट एज गुलिवर ड्रॉज हिज स्किमिटर दैट्स अ टाइप ऑफ कर्ड स्वॉर्ड और अ कर्ड वेपन. ओके, सो ही ड्रॉज हिज स्किमिटर फ्रॉम इट्स स्कबर्ड. A स्कबर्ड इज यू नो दैट्स शीथ फॉर अ स्वॉर्ड. आपने देखा है वो जो तलवार का जो कवर होता है, that is a scabbard. Okay, so वो क्या करता है, उनको दिखाता है. The emperor's warriors all cry, वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं. Believing Gulliver is ready to kill their emperor, उनको लगता है कि जो Gulliver है वो अपना शो कर रहा था अपने स्वॉर्ड को, तो उनको लगता है कि Gulliver जो है वो उस उनके जो किंग है emperor है उसको मारने वाला है. And on the other hand Gulliver definitely does not do that. He returns the scimitar to its sheath and sets it on the ground. ठीक है, वो उसको निकालता है, लेकिन वो जाहिर बात है मारने वाला तो था नहीं. फिर वो क्या करता है, वो जो है उसको दोबारा उसके कवर में डाल के उसको जमीन पर रख देता है. Then Gulliver also packs his handguns and fires them into the air to show the emperor how a gun works. तो मतलब वो उसके अपने गन को वो उसको पैक करता है और उसको हवा में शूट करता है ताकि एम्परर को ये पता चले कि गन किस तरह से काम करता है. सो हंड्रेड्स ऑफ टाइनी इंडिविजुअल्स दे कोलैप्स टू द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ द लाउडनेस. देखिए जारी बात है वो आवाज उसकी इतनी तेज होती है कि वो छोटे छोटे जो बेचारे क्रिएचर्स होते हैं, जो लोग हैं, लेडी पिजन्स हैं, वो जमीन पर गिर जाते हैं सारे, क्योंकि उसकी जो आवाज है ना बहुत तेज बहुत ऊंची होती है. So even the emperor needs a moment to compose himself and Gulliver gives his watch, money, knife, razor, combs, snuff box, handkerchief and journal to the emperor to examine. But these things he gets back. अब क्या होता है कि ये जो चीजें मैंने अभी जिनका मैंने नाम लिया है वो एम्परर को देता है तो वो एग्जामिन करे उसको देखे, लेकिन वो चीज उसको वापस मिलती है. बट द स्किमिटर पिस्टल्स एंड एमिनेशन दे गेट कार्टेड ऑफ टू द एम्परर्स स्टोर हाउस. उसके एम्परर का जो स्टोर हाउस था ना वो वहां पर स्टोर कर दिया जाता है, तो उसको वापस नहीं मिलता है. ओके, इनसाइड द सुपर सीक्रेट पॉकेट दैट Gulliver डज नॉट रिवील टू द एम्परर ही हैज हिज ग्लासेस, अ पॉकेट ऑफ पर्सपेक्टिव. No, probably, you know, a magnifying glass or telescope, वो telescope type का होता है, and several other little conveniences. Okay, so he won't describe. उसका एक super secret pocket भी मौजूद है जिसमें उसने अपने ये चीजें छुपा के रखी हुई हैं. So these are all delicate objects that Gulliver is worried might get lost or broken if he shows them to anyone. उसको लगता है कि अगर वो ये सारी चीजें दिखा देगा तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि वो टूट जाए और वो लोग क्योंकि डेलिकेट चीजें हैं, नाजुक चीजें हैं, ये टूट भी सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है वो उसकी चीजें उनको नहीं दिखाता है. एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी सी इज वी सी दैट द पीपल ऑफ द लिलीपुटियंस एंड द एम्परर इज देयर एंड एम्परर इज टॉकिंग एंड ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद विद गुलिवर एंड गुलिवर एंड एम्परर दे डोंट नो एंड डोंट कॉम्प्रिहेंड ईच अदर्स कन्वर्सेशन. सो दे आस्क
the emperor asked some people, he assigned some people to teach him, learn their language. जब उनकी language सीखता है तो उनसे बात करता है, उसकी searching होती है, inspection होता है, उसको search किया जाता है, different चीजें मिलती हैं. So all of these things are discussed in this chapter and we are done with this chapter now. So if you have any question, you can ask that. Otherwise, I'll just take your attendance. Yes. Ma'am. Ji. मतलब मैं जितना भी हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा है जिसमें मतलब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जिसका एक मतलब ग्लोबल के पास उन्होंने उसी टाइम उसको सर्च क्यों नहीं किया था, इस वजह से कम्युनिकेशन जो था. यस हाँ, वो डर भी रहे थे ना, उसके अलावा वो डर भी रहे थे इसके अलावा कि मतलब ये क्योंकि उसको अच्छे तरह से जानते नहीं थे, वो डर भी रहे थे कि कहीं ये हमला ना कर दे, कहीं हार्म ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए. और एम्परर को लगा कि ये एक अच्छा इंसान है तो उसने यही सोचा कि जब ये हमारी लैंग्वेज सीख लेगा तो इसका कंसेंट हम लेंगे और इसकी परमिशन से हम इसको सर्च करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये परमिशन ना दे ये अपने हाथ और पैर से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है. जिस तरह से चूंटियां हमारे सामने होती हैं, आपको पता है ना कि हम अपना पाँव या हाथ रख ले तो जाएंगे, तो इसी तरह उनको भी डर है कि कहीं मतलब अगर हम उससे इस तरह से मतलब लैंग्वेज में समझता नहीं, वो समझे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. इस वजह से वो क्या करता है, जब एक दूसरे की लैंग्वेज उनको समझ आती है तो वो उसको सर्च करते हैं. ठीक है. ओके यस मैम. Okay, class, now attend to roll call. I am checking your attendance, then after that I will let you go and I will upload the recordings of all the lectures which are missing on LMS. फिर आप कुछ देर बाद जाकर उसको चेक कर सकते हैं. आई विल इन्फॉर्म अनुषे और जैन के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे. ठीक है, चले अली नजम. आमना सरवत. आमना सरवत वॉज देयर, आई सॉ हर. अनमोल नहीं, मैम वो वैक्सीनेशन करवाने गई हुई है, उसने आपसे बात की थी लेकिन आपने कहा ठीक है ठीक है चले, इसको मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूं क्योंकि उसने मैंने कहा था लीव ले लिया. अनमोल नहीं. अनुषी निसार प्रेजेंट मैम. अक्सा भट. अक्सा भट. अरीज मंजूर. आसफा नूरीन. अशर मंजूर. आसिफा. आयशा अशरफ. दानिश, सॉरी आयशा नूर. बिनिश. दानिश. ईमान शहजादी. प्रेजेंट मैम. फैजान अली. प्रेजेंट. एक मिनट एक मिनट. फजल अमीन. फातिमा खान. फातिमा खान तो मौजूद थी. ओके फिजा खान. गुलाम नबी. प्रेजेंट मैम. हमना बाबर. प्रेजेंट मैम. हमना नैयर. हिबा आसिफ. हुमा मुमताज. कोमल अमीन. प्रेजेंट मैम. लाइबा यूसुफ. लाइबा यूसुफ. लाइबा अमजद. लिंता खावर. महा फुरकान. महीरा नासिर. मलिहा समी. मरियम अब्दुल कादिर. प्रेजेंट. मेमुना जाहिद. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद अजद. मोहम्मद हमजा. मोहम्मद हमजा. मोहम्मद काशिफ. मुकद्दस बीबी. निदा हामिद. नूर फजल. नूरुल हसनैन. प्रेजेंट मैम. रिमशा. प्रेजेंट मैम. सादिया सरवत. सजल खान. प्रेजेंट मैम. समीन सादिया. सारा. सवेरा शाह. सारा प्रेजेंट मैम. ओके सवेरा शाह. शाह सुभान राफे. शर्जील अहमद. प्रेजेंट मैम. सैदा मारूख. उज्मा जावेद. वरदा अली. जैन आसिफ.
and Zimal Rubab. Okay, okay, class. Yes, आपका attendance mark हो गया है. आप देखिए आपकी class में 50 plus students हैं, लेकिन 15 minute गुजरने के बाद भी सिर्फ हमारी क्लास में 21 पार्टिसिपेंट्स थे. तो एटलीस्ट जी जी एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे, 30 या 40 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे आउट ऑफ 50 प्लस स्टूडेंट्स. तो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग. मैं दुआ मेरी यही है कि नेक्स्ट जो है वो सेमेस्टर जो है वो उन कैंपस हो ताकि टीचर्स को इस तरह की ह्यूमिलिएशन फेस ना करना पड़े, इस तरह के इंसल्ट्स को फेस ना करना पड़े जो स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर्स की टीचर्स को आते हैं. एनीवेज क्लास अभी आप लोगों को मैं एक मिनट सब्र करें जी. हाँ अनुषे और जैन आप लोगों ने बच्चों को ग्रुप में मैसेज करना है कि आइंदा जो भी 15 मिनट के अंदर अंदर क्लास में नहीं आएगा मीटिंग को लॉक कर दिया जाएगा और जो बच्चा नहीं आएगा उसका एब्सेंट मार्क होगा. अब देखिए 50 प्लस स्टूडेंट्स में से 21 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है बस, और मतलब किसी की मार्क नहीं हुई. तो इसीलिए आप लोग इसको जरा अनुषे और जैन आप दोनों में से कोई एक ही काम करें कि ग्रुप में बच्चों को बता दें कि आइंदा अगर 15 मिनट्स के अंदर अंदर कोई नहीं आया, वैसे 10 मिनट देते हैं हम लोग लेकिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर कोई नहीं आया तो आई विल मार्क एब्सेंट. ठीक है चलें. ओके क्लास सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डू. जी मैम सॉरी कोमल सॉरी किस बात की बेटा. मैम हम लोग जो बिहेवियर कर रहे हैं हम लोग आए. चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है कोमल कि आप मतलब वैसे आपकी तरफ से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है. यू आर वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइन. लेकिन ये कि आपने रियलाइज किया और आप सॉरी कर रहे हैं दैट मींस अ लॉट और मुझे खुशी हुई कि चलो किसी को तो कम से कम ये एहसास है. तो थैंक यू सो मच. बाकी ये कि आप लोग इन्फॉर्म कर दें और बच्चों को रियलाइज करवाए कि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि मतलब वो क्लास में नहीं आते इस तरह से और एंड होने के लेक्चर एंड होने के नज़दीक वो आते हैं. और दूसरी बात जो मैं सोचती हूँ ना वो ये है कि उनकी वजह से वो बच्चे जो रोज आते हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोग टाइम पर आते हो, पंक्चुअल हो, आपके साथ आप लोगों की हक तलफी होती है. यानी मुझे आप लोगों को और उनको एक तरह से ट्रीट करना पड़ता है जबकि बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए. जो बच्चे लेट आते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो बच्चे शुरू में आते हैं उनकी उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए. तो जो यहाँ पर मौजूद है बच्चे ये अक्सर स्टार्ट में मौजूद होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर ऑन टाइम. तो कभी ऐसा नहीं होता कि एसडी वाले बच्चे, मैं इन बच्चों को कभी इतना लेट नहीं देखा. तो ये आपके साथ भी एक किस्म से नाइंसाफी है अगर मैं उनको जो है वो इजाजत दूं कि वो जब दिल चाहे उठ के आ जाए लेकिन आप लोग जो है वो टाइम पर आए हुए हो. तो इसीलिए मुझे थोड़ा इस चीज़ को मैं देखती हूँ हमेशा और मैं इस चीज़ को काफ़ी समझती भी हूँ कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए. दैट्स वाई इसमें आप लोगों के लिए मैं ये स्टैंड ले रही हूँ. बस आप लोगों ने इतना मेरे साथ कोऑपरेट करना है कि उन बच्चों को रियलाइज करवाएं कि इट्स नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, इट्स ह्यूमिलिएटिंग एज वेल एज इट्स इंसल्टिंग फॉर द टीचर एज वेल. मसला ये भी होता है कि 3:30 बजे क्लास होती है ना तो वो 2-4 लाइट जाती है, उस वजह से भी बच्चे नहीं आते आधे घंटे. बेटा ये अब मुझे नहीं पता. अब देखिए 50-55 बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनमें से 15-20 लोगों का ये मसला नहीं हो सकता, एक दो का हो सकता है. ठीक है, एक दो लोगों का ये मसला हो सकता है, वो हम रियलाइज कर लेते हैं, उसका हम समझ भी लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. लेकिन जब आप देखें खुद सोचें कि मेरी क्लास में 53 बच्चे हैं और जो मौजूद है वो 21 है, तो कितने बच्चे मौजूद नहीं है क्लास में, जरा खुद अंदाजा लगाएं कितने बच्चे क्लास में नहीं है. 30 प्लस बच्चे क्लास में नहीं है तो क्या 30 प्लस बच्चों की लाइट चली जाती है 3 बजे? इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. आई डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग. हाँ एक दो तीन बच्चों के हो सकते हैं लेकिन पूरी क्लास के नहीं. बिलीव मी नूरुल हसनैन, आधे से यानी 90% से ऊपर जो बच्चे हैं ना वो क्लास में जानबूझ कर लेट आते हैं ताकि वो क्लास अटेंड ना करें लेकिन उनका अटेंडेंस लग जाए. आप मतलब बच्चों को लगता है कि टीचर्स जो है ना बेवकूफ़, उनको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन असल में हम बेवकूफ़ नहीं होते. हम लोग ऑनलाइन टीचिंग में थोड़े लीनियंट हो रहे हैं, हम लोग आप लोगों को स्पेस दे रहे हैं, हम लोग आप लोगों को अलाउ करें कि आप इस तरह की मतलब अगर प्रॉब्लम होती है तो कर लें, लेकिन अब रोज रोज ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अब मतलब अगर कोई ये कहे ना 50 बच्चा आकर मुझे ये कहे मैम हमारी लाइट चाहती है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट. तो ये टोटली इट इज नॉट फार फेच्ड, ये नाकाबिल यकीन है मेरे लिए कि मतलब
30 से ऊपर बच्चों की लाइट इकट्ठी चली गई। yes, तो अब ये भी देखो, मुझे मेरी ईमेल बड़ी पड़ी होगी या फिर अनुषी और जैन को इतने मैसेजेस आएंगे और उनको बच्चे क्या कहेंगे, हर बच्चे के एक्सक्यूज देख रहा है, कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो लापरवाही करके जान बुझ कर लेता है, कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके पास, आपके सीआर एजीआर के पास, मेरे पास आएगा, तो फिर वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन फॉर नाउ फॉर टुडे आई एम जस्ट पनिशिंग देम सो दैट दे वुड नॉट रिपीट दिस थिंग इन फ्यूचर। ठीक है, चले, विश ऑल द बेस्ट क्लास, अल्लाह हाफिज, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।